हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 40 प्लस यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अभी तो आप तो DU का देख रहे थे, BHU का देख रहे थे, JNU का देख रहे थे, उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशली, बहुत ढूंढ ढूंढ के लाई हूँ। एक्चुअली थोड़ा मुश्किल मुझे भी होता है सारी यूनिवर्सिटीज़ को कलेक्ट करना, मतलब समझ सकते हो कितना मुश्किल हो सकता है। 40 प्लस यूनिवर्सिटीज़ लेके आई हूँ आपके लिए और साथ ही साथ मैं उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ बता दूंगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और फर्स्टली मैं ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फेज 2 है, याद रखना 9th ऑफ अगस्त आपका डेडलाइन है। मैं कल भी इस पे वीडियो बनाई थी और कल भी मैंने कहा था कि 9th ऑफ अगस्त डेडलाइन है। अगर कोई भी इशू आता है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगी। अब तो मैं कर भी रही हूँ आपको रिप्लाई, जैसे जैसे मैं बच्चों का कमेंट्स देख रही हूँ वैसे वैसे मैं रिप्लाई भी करी, तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी कोई भी जितनी भी मैं PDFs वगैरह होगी ना, वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया, मतलब जो लिस्ट बनाया है PDF में आपका 40 यूनिवर्सिटीज़ का, उसका भी मैं PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन होगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लोगे तो ताकि आपको ये PDF बहुत ईजिली मिल जाए, ठीक है। और साथ ही ये जितने भी कॉलेजेस हैं ना, देखो मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जैसे BHU जैसे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन देखो कहीं ना कहीं लिमिटेड सीट्स होते ही होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सारे बेकारी है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत बच्चों का लो स्कोर आया, परेशान रहते हैं कि मैम इसमें सीट नहीं है, मैम इसमें मुझे सीट कैसे मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। मैं समझ सकती हूँ, बहुत देखो CUT आई नो कि थोड़ा सा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर में चलती रहती है, मुझे सब समझ में आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखो मार्क्स को लेके बिल्कुल परेशान मत हो, अगर थोड़ा भी स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो कमेंट करके बताओ यार, मैं बात करूँगी आपसे, स्पेशली बात करूँगी मैं आपसे खुद। लेकिन आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो देखो, मुझे पता है कि मैं भी उस फेज से गई हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी ट्राई करा था बहुत सारे, मुझे भी मेरी पसंदीदा यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी, इसकी वजह से मुझे अलग से पढ़ना पड़ा, मतलब अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। तो मुझे पता है कि वो जो स्ट्रेस वाली जो टाइम होती है, वो एंजाइटी होने लगती है, बच्चे परेशान होने लगते हैं, तो वो कैसा फील करते हैं। अगर थोड़ा भी लगता है ना तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, स्पेशली मैं आपसे बात करूँगी, आपको गाइड करूँगी, काउंसलिंग भी करूँगी आपको, ठीक है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, जिनको लो मार्क्स आया है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में बच्चे परेशान होकर बोलते हैं कि मैम इसमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो मैं क्लियरली बोली थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में सीट मिलना बहुत मुश्किल है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, लेकिन कट ऑफ भी तो देखो भैया, कट ऑफ कितनी हाई जा रही है। आप 200-250 नंबर लेके आ रहे हो, उस पर पूछ रहे हो कि मैम सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई स्वर्ग वाला प्लेस नहीं है, इतना मत समझो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है। वो आप हो जो उसको बना के रखे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्वर्ग वाला प्लेस, वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी और कॉलेज में भी पढ़ रहे हो ना, तो आप पे डिपेंड करता है उस कॉलेज को आप कैसा दे रहे हो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर, आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है, बेस्ट कॉलेज है, पर उसके अलावा भी और भी कॉलेजेस हैं। आप कहीं भी रह के, मम्मी लोग का कहना होता है ना कि बच्चा कहीं भी रहे कहीं से भी पढ़ सकता है, तो वही बात है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, आप अच्छा करोगे, आप अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो ये तो होगी ज्ञान की बात है, अब हम बात करते हैं 40 यूनिवर्सिटीज़ जिसका मैं लिस्ट लेके आई हूँ बहुत मुश्किल से, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUET में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हाँ, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे UGC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए, एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो।
और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। 40 यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से, पहले तो मैंने बताया था AMU, BHU, AU, DU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, हेमावती नंदन भागुना गढ़वाई यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया। आप जाके रजिस्टर कर सकते हो खुद को, आपका स्कोर देखो। मुझे पता है कि लो स्कोर वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं, नहीं ऐसा परेशान नहीं, आप भरो, सारे कॉलेजेस भरो जिसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली हो जाए। और कहीं नहीं होगा तो फिर स्टेट यूनिवर्सिटी तो है ही, ओपन यूनिवर्सिटी तो है ही, ऑनलाइन कोर्सेज भी चला रहे हैं आजकल, तो सब इतने सारे ऑप्शन है, तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की स्पेशली मैं बात करूँ तो ये हैदराबाद में, और इसमें लैंग्वेजेस कोर्सेज होते हैं जिन बच्चों को एकदम रहता है ना कि आजकल नया चीज़ करने का चल रहा है कि लैंग्वेज सीखना, एक्चुअली उस फील्ड में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लैंग्वेज वाले। आप एम्बेसीज में जॉब कर सकते हो, पार्लियामेंट में कर सकते हो, ट्रांसलेटर के तौर पर कर सकते हो, बहुत जॉब मिलते हैं अगर लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो। ये बेस्ट कॉलेज है आपके लैंग्वेज के लिए JNU के बाद स्पेशली, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कॉटन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिनका मैं बता चुकी हूँ कि 9th अगस्त डेडलाइन है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा टाइम आपको। और प्रेफरेंस सीट एकदम परफेक्टली बनाना, मैं बार बार कह रही हूँ कि परफेक्टली बनाना, क्योंकि देखो बहुत सारे DU के ऑफिशियल्स ने कहा है कि आपका जितना ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट होगा आपको उतना बेनिफिट होगा, तो एकदम अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। और ऑटो लॉक होने के बाद जब विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए, तो आप शफल करोगे या कुछ भी करोगे, ऊपर नीचे ऐड करोगे, लेस करोगे, एक ही बार कर सकते हो, बार बार उसको एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक टाइम मिलेगा एडिट करने के लिए, तो सोच समझ के करना जो भी करना, ठीक है। वो क्योंकि गड़बड़ होगा तो वो आपकी गलती होगी, इस पर कोई जिम्मेदार नहीं होगा, अगर आपने ऊपर नीचे किया या कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो सोच समझ के कुछ भी करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसके बारे में मैंने बार बार कहा है आपको, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर वुमेन, विक्रम यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, JNU, BBAU, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। अब ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ और भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पोंडुचेरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये सारे आपके बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं। कहीं भी अच्छे से जाओ, फॉर्म रजिस्टर्ड करो, वेबसाइट का लिंक अगर बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जिस कॉलेज का आपको चाहिए मैं कमेंट में आके, अगर आपको इस कॉलेज का चाहिए तो मैं कमेंट में, आप कमेंट करना, मैं आपको उसी में आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि देखो इतने सारे एडिट करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, वो आप समझ सकते हो, अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। बाकी कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो लेके आती हूँ और मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आप लोग को पढ़ा नहीं रही थी या फिर कुछ भी, लेकिन हाँ मैं आप कोशिश कर रही हूँ आप लोग से कनेक्ट करने की। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।